हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और नई एग्जांपल। जैसा कि हमने आपसे इससे पहले ही बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास तीन कांस्टेंट होते हैं, ए, बी और सी। ए कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बी ज़ीरो हो सकता है और सी भी ज़ीरो हो सकता है। हमने इससे पहले वीडियोज़ में ये सब बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियो दोबारा से विज़िट कर लें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। आए देखते हैं इस एग्जांपल को। हमारे पास दिखा हुआ है 5x² = 30x। हम पहले 30x को इधर लेकर आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास हम ये देखते हैं हमारे पास ए तो है, बी है, मगर सी ज़ीरो है। तो इसका मतलब हमारे पास ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू हमारे पास है -30 और सी की वैल्यू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब वैल्यूज़ को पुट करा देंगे। वैल्यूज़ क्या क्या हैं, बी की वैल्यूज़ हैं -30 + -b = -30² - 4a की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 0/2, ए की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 0 और ये बच जाएगा हमारे पास सिर्फ 30² = 10। अब क्या होगा, 30 + - ये हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 30 बच जाएगा / 10। अब आइदर और लगा देंगे। s = एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। ये तो ज़ीरो हो जाएगा डायरेक्ट, 30 - 30 = 0/10, तो ज़ीरो। और ये हो जाएगा हमारे पास 60/10 x = 6। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो 0 और 6 आ जाएगा, 0,6 आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारा नया चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।